हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला चाय आइसक्रीम। ये आइसक्रीम एगलेस है और इसमें हमने टी मसाला का यूज़ नहीं किया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को फ्लेम पर रखेंगे और उसमें लेंगे 1 कप प्लस 1/4 कप दूध। उसमें हम हमारे सभी होल स्पाइसेस डालेंगे, 2 इलायची, 2 लौंग यानी कि लवंग, 1 छोटी दालचीनी और 2 होल ब्लैक पेपर। आप दूध को बॉईल होने दें और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम पर रिड्यूस कर दें। फ्लेम मीडियम करने के बाद हम उसमें चाय पत्ती डालेंगे। इसमें इस वक्त हमने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून टी पाउडर या टी लीव्स। हमने टाटा टी गोल्ड का यूज़ किया है। अगर आपको आइसक्रीम में स्ट्रॉन्ग टी फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें चाय की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। चाय पत्ती डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर सिमर करेंगे 5 मिनटों के लिए। इसे आप स्टर करते रहें। उसके बाद हम एक बोल में मिलाएंगे 1/4 कप दूध और 1.5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या वाइट कॉर्न फ्लावर। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। ये जो 1/4 कप दूध है वो रूम टेम्परेचर पर है। हमारा जो दूध, स्पाइसेस और चाय पत्ती का मिक्सचर है वो 5 मिनट तक पक रहा है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर और उसे मिलाते रहेंगे। जैसे ही आप इसमें दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालें उसके बाद आपको इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है, स्टर करते रहना है। इसे हम सिमर करेंगे 4 से 5 मिनटों के लिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होने लगा है। आप मिक्सचर को 4 से 5 मिनट बाद फ्लेम से हटा लें। आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो एकदम थिक हो गया है। अब इस मिक्सचर को हमें एक सीव या स्ट्रेनर में से पास कर लेना है। क्योंकि इसमें चाय पत्ती है तो आप रेगुलर टी स्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एकदम गाढ़ा मिक्सचर जो है वो हमने एक बोल में कलेक्ट कर लिया है। इसे आप कंप्लीटली ठंडा होने दें। अब हम एक मिक्सचर जार में लेंगे 1/2 कप चिल्ड क्रीम। क्रीम जो है वो ठंडा क्रीम लेना है हमें, और आप इसमें अमूल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। आप जो ये मिक्सचर को है वो टेस्ट कर ले और कंडेंस मिल्क आप स्वीटनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हमारा टी का मिक्सचर जो हमने बनाया था, और ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है इस वक्त। अब इन सभी चीजों को हम ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक ये फ्रॉथी ना हो जाए। आप इस समय मिक्सचर को टेस्ट कर लें और अगर आपको स्वीटनेस कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक एयर टाइट और फ्रीजर सेफ कंटेनर में और इसे फ्रीज करेंगे 3 से 4 घंटों के लिए जब तक ये सेमी सेट ना हो जाए। उसके बाद आप इसे निकाल कर एक बार फिर से चर्न कर लें और दोबारा से उसे 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज कर लें। आप ये चर्निंग और फ्रीजिंग प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको 2 से 3 बार टोटल चर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप आइसक्रीम को सेट करें 6 से 8 घंटों के लिए।